तो फ्रेंड्स ये भी एक गांव है हिंदुओं का, देख सकते हो मेरे साथ। तो इधर है ना सारे लोग हिंदू रहते हैं, ये सारे घर है ना हिंदुओं के हैं, देख लो दोस्तों। इधर है ना ये काम काज करते हैं खेती बाड़ी का सारे लोग। तो इधर हमारे रिश्तेदार तो नहीं हैं, पर हम जाते हैं इनसे बातचीत भी आपकी करवाते हैं, और ये कैसे रहते हैं और इनके पास क्या कुछ है दोस्तों। तो ये देखो ये गाय खड़ी हुई है, गाय और भैंस दोनों इकट्ठी है। तो ये है ना इधर, यानी कि गैस वगैरह नहीं होता ना, इसलिए इन भाइयों ने ना लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हुई है। देखो कैसे कितनी लकड़ियाँ जमा करके रखी है स्टोर करके। और इधर देखो काम काज कर रहे हैं हमारे हिंदू भाई, और ये गाय वगैरह और ये घर सारे हिंदुओं के हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छा आएगा, और इनसे भी हम इनके घरों से यानी कि बातचीत भी कराते हैं आपकी। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बता देना। गांव में इन भाइयों के घर है। तो भाई राम राम। जय श्री राम। कैसे हो भाई? ठीक। आपका नाम क्या है दोनों का? मैं रामचंद है। आपका? पहलवान जी। पहलवान और रामचंद से। तो आप इधर ही रहते हो? जी। सही सही। तो ये जो पीछे ट्राली आपकी है भाई? जी, आप मेरी है। सही सही। तो ये जो पीछे घर है ये भी आपके हैं? जी मेरे हैं। सही। आप तो अपना घर दिखाएंगे हमें? आओ जी। चलो भाई, आपको इधर कितना अर्सा हुआ है? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल था। पहले कहाँ रहते थे? पहले हम वो उधर रहते। सही सही सही। पहले इधर से वो 10 किलोमीटर दूर है ना? 10 किलोमीटर। सही सही सही। तो अभी आए 5 साल से। तो ये जो पीछे बनाया है आपका घर है? जी घर है। सही सही। तो फ्रेंड्स ये इधर भाई रहते हैं, देख लो कच्चा झोपड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। और ये इधर ये भी आपका घर है भाई? जी मेरा घर है। सही सही। तो ये जो खुडा बनाया हुआ है ये मुर्गियों का? जी मुर्गों का। सही सही। आपके इधर गाय वगैरह भी है भाई? जी सही सही। वो दिखाएंगे हमें? आओ जी। तो ये जो आपने रखा है भाई ये क्या किसके काम आता है? ये माल का काम आता है, माल हम उतार करते हैं। अच्छा अच्छा। इसके अंदर यानी कि गाय वगैरह चारा इसके अंदर खाती है? सही। तो आगे चलो आप अपने हमें गाय दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देख लो इधर इस तरह के यानी कि दीवारें बनाई हुई है, और इधर है ना एक पानी वाली टैंकी है। ये पानी वाली टैंकी है भाई रामचंद? सही सही। सरकारी। तो ये देख लो इधर कपड़े हैं सारे, और ये सारी गलियाँ हमारे हिंदुओं की है। और ये डोंकी है, ये आपका है डोंकी रामचंद? सही सही। ये भी इन भाइयों का डोंकी, और ये आपकी गाय है? सही सही। तो फ्रेंड्स ये है इस भाई की गाय। सही। तो आपके माता पिता हैं भाई? जी माता पिता हैं। सही। वो कहाँ गए हुए? वो बाहर गए हैं। बाहर? सही 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 सही। तो वो काम काज क्या करते हैं? काम काज खेती बाड़ी। खेती करते हो? आप भी खेती करते हो? सही। आप स्कूल पढ़ते हो या नहीं? नहीं स्कूल छोड़ दिया हम। सही सही। तो ये आपकी गाय है? सही है। तो फ्रेंड्स ये इन भाइयों की गाय है, देख लो जो कि बहुत ही प्यारी और अच्छी है। तो थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद भाई। सही भाई। तो आप इधर जो हमारे यानी के लोग रहते हैं सारे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं? सारे हिंदू हैं। सारे इधर हिंदू रहते हैं? सही सही। तो इधर भी जो ये गाय घर वगैरह नज़र आ रहे हैं सारे ये हिंदुओं के ही हैं? जी सब हिंदुओं के। सही सही। तो ये जो पीछे आपने बनाया हुआ ये क्या है भाई? हम इसके गाय बांधते हैं अंदर शाम के। शाम के वक्त इधर गाय उधर से ला के इधर बांध देते हैं? बाहर खुलते हैं ये अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। ठंड वगैरह है ना इस करके? सही ठंड है। सही 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 है। तो भाई ये है इधर गाय बांधते हैं ये भाई, देख लो अंदर। तो ये देख लो भाई इधर आपको कोई तंग वगैरह तो नहीं करता ना? नहीं तंग नहीं करता। सही सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। शुक्रिया रामचंद भाई। ये खरगोश आपके हैं? जी हमारे। सही सही। तो फ्रेंड देख लो ये इन भाइयों के खरगोश है, और उधर भी देखो कैसे खेल रहे हैं खरगोश। और ये मशीन भी आपकी है? जी हमारी। सही सही। तो इसके पीछे ये क्या पड़ा हुआ भाई? तूड़ी। तूड़ी। तो ये किसके काम आती है? ये माल को डालने के लिए काम आता है, गाय वगैरह को खाने को। सही। चारे के अंदर मिक्स करके डालते हैं। सही सही। तो ये देख लो इधर कैसे खरगोश यानी कि खेल रहे हैं और खाना खा रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये देख लो इधर गाय यानी भैंसे वगैरह भी इन भाइयों ने रखी है इस गांव में। देख लो ये सारे यानी के घर है ना हमारे सारे हिंदुओं के घर है दोस्तों, ये सारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। और इधर भी तो एक है ना उधर गाय खड़ी है देख लो दोस्तों, और ये भैंसे खड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स एक भाई इधर बैठा हुआ है, ये यानी कि सर्दी है ना इधर, इस करके कबूतरों को धूप सिखा रहा है। तो इस भाई से हम मिलाते हैं। भाई राम राम। जय श्री राम। कैसे हो भाई? ठीक है। आपका नाम क्या है? गोपाल जी। गोपाल। गोपाल सही। तो ये कबूतर सारे आपके हैं गोपाल भाई? यस सर। सही सही। तो आपका घर कौन सा है? सही। ये जो पीछे घर है दोस्तों इस भाई का है। सही सही। आप इधर साथ ही रहते हो? यस। सही सही। तो फ्रेंड ये देख लो कैसे कबूतर नहा रहे हैं पानी में। तो भाई आपके माता पिता है? यस है। सही सही। आपके मत तो आपके भाई वगैरह भी हैं? तीन भाई है। तीन भाई है? यस। तो भाई आप सबसे छोटे हो?
यस, मैं अब सबसे छोटा हूँ। सही सही, तो आपसे जो बड़े हैं वो क्या काम करते हैं? एक दुबई है और दो खेती के करते हैं। अच्छा, एक दुबई गया हुआ है और दो लड़के इन खेती बाड़ी करते हैं। सही 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 सही, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो फ्रेंड्स ये देख लो, ये कबूतरों का खुड्डा कैसे बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आपका नाम? नींबू। नींबू माई। तो नींबू भाई, तो आपके कितने बच्चे हैं? बच्चा में भाई चार दिख रहा है, पांच दिख रहे हैं। तो ये मतलब कि माता जी कह रहे हैं चार बच्चे हैं और पांच बेटियां हैं। तो माता जी मतलब कि ये बूढ़ी है और घर का काम खुद आप अकेले करते हो? अकेले करते हैं। तो आपके बच्चे आपके साथ नहीं है? नहीं, वो जुदा है। जुदा। तो मतलब कि माता जी कह रही है मेरे बच्चे मतलब के चार बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है ना? शादी हुई है चारों की? अच्छा अच्छा, मतलब कि माता जी कह रही है कि चारों तीनों की होगी, एक रहता है। तो मतलब कि खाना पीना आप खुद करती हो अकेली होके? तो माता जी खुद मतलब कि घर का सारा काम करती है। तो माता जी का मतलब कि सामान कुछ ये पड़ा, ये देखो। और ये मतलब कि वहाँ पे ना जो खाना पीना पकाया जाता है यहाँ पे, और वो कुछ मतलब के वो लकड़ियाँ जिसे आग जलाएँगे माता जी। और ये माता जी का घर, और ये उनकी मतलब कि भैंसें हैं। और ये माता जी के घर के अंदर जाते हैं हम। और ये मतलब कि इनके ये संदूक है माता जी आपकी हैं? आपकी है। तो आपकी है, तुम्हारी है? हाँ जी, हाँ जी। और दोनों ये मतलब कि माता जी का खुद का कमरा है। और वो सामने की ओर देखो, कैलेंडर लगा हुआ है कृष्ण भगवान का। और सामने मतलब काफ़ी यहाँ पे तस्वीरें भगवानों की लगाई हुई हैं। और ये इनका घर है, तो आपको घर का व्यू दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये देख लो, ये माता जी है मतलब के बूढ़ी है, और सारा घर का काम माता जी खुद करती है। तो जो अंकल जी हमें बता रहे थे ना 72 साल एज वाले, तो वो उनकी घर वाली है। तो सारा काम माता जी खुद करती है, खाना पीना और मतलब के सारा कुछ। तो ये यहाँ का व्यू, और ये बच्चे लोग, और आगे का कमरा दिखाता हूँ मैं आपको। और मतलब कि एक और भी कमरा है यहाँ पे ना, ये वो जो जानवर वगैरह है ना, तो यहीं पे बांधा करते हैं रात को ठंड की वजह से। तो वो मतलब कि वो टायर इन्होंने ना ज़मीन के अंदर खोदा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे बांधते हैं एक वो भी लकड़ी। तो यहाँ पे ना वो जानवर बांधा करते हैं यहाँ पे। और ये बच्चा लोग, और ये यहाँ का व्यू। तो भाई ये भाई लोग यहाँ पे देख लो, भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चे लोग भी क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, मतलब के गाँव में भी लोग मतलब क्रिकेट को काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये भाई मतलब कि जो क्रिकेट खेल रहा है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये भाई वो देख लो बॉल आ रही है, और ये शॉट मारी। तो भाई आप गली में क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? भाई हमारी मजबूरी है, हमारे ग्राउंड हमारे गांव में कोई ग्राउंड है नहीं, इसलिए अच्छा। हम गली में खेलते हैं टाइम पास करने के लिए। मतलब कि आपके यहाँ पे ना ग्राउंड नहीं है, इसलिए आप गली में क्रिकेट खेलते हो। तो भाई लोग ये लोग मतलब क्रिकेट को आप काफ़ी पसंद करते हो। यस। तो आपका मतलब काफ़ी कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है? बाबर आजम और विराट कोहली। विराट कोहली आपके अच्छे फैन? ये मतलब कि ये लोग हैं ना यहाँ पे ना गांव में रहते हुए भी मतलब क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। और ये बच्चे लोग मतलब के जो साथ इनके है ना, ये क्रिकेट इनके साथ खेलें। और इनके गांव में ना मतलब ग्राउंड नहीं है, ये मतलब दूर जाकर क्रिकेट खेलते हैं ऐसे। यस। तो जो भाई ये बैट, ये आपने बैट कितने के लिए है? ऊपर करो। 3000 का। तो भाई यहाँ पे ना गाँव में ये आपने गाँव से लिया ना? यस। तो आपको कितने का मिला? 3000। 3000 का। तो भाई ये देख लो बैट, यहाँ पे ना गांव में इस भाई को 3000 का ये बैट मिला है। तो ये आपके खुद के पैसे हैं या आपने सब बच्चों से इकट्ठे करके लिए बैट लिया है? इकट्ठे करके लिए। तो मतलब कि यहाँ पे काफ़ी लोग आपके एज के भी क्रिकेट खेलते हैं आपके साथ? हाँ। ये तो बच्चे लोग हैं, आप यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भाई भी क्रिकेट खेलते हैं, तो वो भाई भाग गए क्या? और एक ये बैट है, पहले इससे खेला करते थे, तो अब वो उन्होंने नया लिया 3500 का बैट। तो